हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिमाइंडर्स के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज अ रिमाइंडर? सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल, 35 डिवाइडेड बाय 6, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? इट इज 5। सबको पता है, ठीक है? मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बिकॉज ऑल आई वॉन्ट इज टू फोकस ऑन द ट्रिक्स जो कैट में आती है, ठीक है? तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगर सपोज देर आर टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सिक्स गिव्स रिमाइंडर टू, सो आई विल राइट इट एज सिक्स एन प्लस टू, एंड सेकेंड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सिक्स गिव्स रिमाइंडर थ्री। So what will be the remainder? Remainder when both of these numbers, suppose this is x and this is y, तो remainder क्या होगा अगर we are adding x plus y? Simple question. So actually में कैसे add approach करेंगे हम इसको? हम ऐड करके, अगर मान लो x और y की वैल्यू हमें पता होती तो हम ऐड करके डिवाइड कर देते। इस केस में भी वही करना है, 6n plus 6m plus 2 plus 3, that gives us 6n plus m plus 5। तो क्या that means 5 is the remainder? Because this part is divisible by 6, so सीधा सीधा 5 मेरे पास remainder आ गया। अगर ये part 5 यहाँ पे 2 की जगह, suppose इस 2 की जगह मेरे पास suppose करो 5 होता, तो numbers होते 6n plus 5 और 6m plus 3, तो मेरा remainder क्या था? 6n plus m plus 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 2, क्योंकि फर्दर दिस 8 गिव्स मी रिमाइंडर एज 2। क्लियर है? तो हम क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं अब यहां पे? अगर मैं कहूं x प्लस वाई मेरा एक नंबर है, तो उसका रिमाइंडर जब मैं निकालूंगा, अगर मुझसे बोला जाता है, तो हम उसको ऐड करके जस्ट वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली x माइनस वाई में भी यही थ्योरी अप्लाई होगी और x इंटू वाई में भी यही थ्योरी अप्लाई होगी। मोस्टली क्वेश्चंस आपको x इंटू वाई के मिलेंगे, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। किस फॉर्म के होते हैं? जैसे 3 raised to the power 99, तो ये कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, विच इज अगेन ऑफ द फॉर्म एक्स इंटू वाई। तो बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? इस पे हम आते हैं, इतना क्लियर है? तो इनके रिमाइंडर्स जो हैं, एक्स प्लस वाई का हमारा होगा रिमाइंडर भी इसी फॉर्म का होगा, एक्स माइनस वाई का भी। तो सिमिलर बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होंगे। तो x प्लस वाई के और x माइनस वाई के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, उनके लिए मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, डायरेक्टली मैं आऊंगा x इंटू वाई में, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। मोस्टली हमने क्वेश्चंस देखे हैं जो पावर के आते हैं, ठीक है? पहले एक सिंपल क्वेश्चन x इंटू वाई का करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 198 इंटू 199 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या हुआ? ठीक है, अब 198 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2, बिकॉज 196 से 7 पूरी पूरी तरह से जाता है। और सिमिलरली 199 से अब 3 आएगा, 1 प्लस ऐड कर देंगे और इससे 4 आएगा। तो जो मेरी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गई है 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैंने अभी आपको x plus y के टर्म्स में करके दिखाई थी। तो इस एक्सप्रेशन को हम सीधा सीधा इसमें
रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमें बस इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 4 इज 24। सो 24 डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्सप्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये वाला हमारा सिंपल प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चंस अब कैट में कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं खुद से, उसके बाद नहीं तो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 2004 डिवाइड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे अटैक करते हैं हम, इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमको जो न्यूमरेटर है दैट इज 2, इसकी कौन सी पावर है कि वो हम 7 से डिवाइड करें, 2 रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 7 हमको रिमाइंडर जो है दे दे 1। अब यहां पे आपको कॉमन सेंस से सीधा सीधा दिख जाएगा कि x शुड बी 3, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 1। तो ये अभी कॉमन सेंस से पता चल रहा है आपको, बट हो सकता है ना भी पता चले, तो उस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। जहां पे भी हमको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा अपना। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मान लो आपको मिल गया 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो जो ये है रिमाइंडर है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 रेज टू पावर 4 है, अभी आपको रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिला है, 1 मिला है ना, तो इसको आप अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से इंटू 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। मतलब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर को ही सिर्फ आप अगले उसी एक्सप्रेशन से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 1 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 से रिमाइंडर हमेशा ईजी रहता है फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है कैसे करना है, मैं अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। लेट्स रब दिस। अब हमको पता है कि 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 है हमारा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू द पावर x, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2004 2 प्लस 4 डिविजिबिलिटी रूल अगर आप 3 का लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 व्हाट इज द रिमाइंडर, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मुझे मतलब नहीं x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट नहीं करनी। अब 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स मी रिमाइंडर 1। सो 8 रेज टू पावर x कितनी भी पावर हो, क्योंकि वो फॉर्म हमने अभी पढ़ी है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि n नंबर ऑफ टाइम्स अगर x मेरा x इंटू वाई इंटू जेड हम सबको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x y z सब 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 x नंबर ऑफ टाइम्स है मेरा डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर मेरा 1 ही आएगा हमेशा। तो ये हो गया 2004 के लिए, ये तब था जैसे हमें पता था यहाँ पे जो ये 2004 जो एक्सप्रेशन है मेरा 2004 ये फुली डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब सेकंड केस में हम देखेंगे कि ये फुली डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे। फुली डिविजिबल अगर नहीं है, अब आपको लीस्ट ये तो पता है 2004 जो है वो वहां तक तो डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 2, दो बच गई पावर। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे x इंटू y वाला, इस पार्ट का रिमाइंडर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 है, और दूसरे वाले पार्ट का आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, दैट मींस रिमाइंडर इज 4। सिंपल है ये इस वाले पार्ट के लिए, कंफ्यूज ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 रेज टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 व्हाट इज द रिमाइंडर। इसमें मैं आपके साथ दोनों अप्रोचेस डिस्कस करूंगा। अप्रोच 1 वही थी जो जिसमें हम हमेशा एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, और सेकंड अप्रोच ये है कि अगर नहीं आता है 1 तो कैसे करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं आपको स्ट्राइक करे एक तो एग्जामिनेशन में 1,
उस सब पर टाइम खराब होता है। सेकेंडली ये है कि हर एक्सप्रेशन वन पे रिड्यूस हो भी नहीं सकता। तो पहली अप्रोच हम देखते हैं। पहली अप्रोच में इस एक्सप्रेशन को आई विल राइट इट एज 18 प्लस 7 है, 18 क्योंकि डिविजिबल है 9 से, रेज टू द पावर 25। तो फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 7 रेज टू पावर 25, क्योंकि ये x प्लस वाई की फॉर्म हो गई। डायरेक्टली मेरे को इस एक्सप्रेशन को भी वैल्यूएट करना है, 7 रेज टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 9। अब वही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, 7 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 7। नाउ 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इनटू 7 रेज टू पावर 2 इज 49, रिमाइंडर इज 4। अब 7 क्यूब करने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इससे ही काम चल जाएगा। 4 इंटू 7 इज व्हाट 28, एंड 28 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स रिमाइंडर 1। तो यहां पे मुझे वही एक्सप्रेशन मिल गया कि 7 क्यूब जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो विल गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। मैं इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, 7 रेज टू द पावर 3। अब यहां पे मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रेज टू द पावर समथिंग डॉट 7, बिकॉज 24 से डिविजिबल होता है 3, तो 3 रेज टू पावर 8 वुड बी 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 वुड बी 25 डिवाइड बाय 9। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी और इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर मेरा 7 आ जाएगा, 7 वुड बी द आंसर। अब हम इसका सेकेंड केस देखेंगे, अगर ऐसा नहीं होता, 1 में रिड्यूस नहीं कर पाते हम, तो कैसे करेंगे। यहां तक तो अप्रोच सेम रहेगी कि हमने 7 रेज टू पावर 25 कर दिया, ठीक है। अब करना वही है, बट स्पीड है, एग्जाम में स्पीड पे भी आपका फोकस रहना चाहिए। इसको आप जल्दी जल्दी इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 7 रेज टू पावर 25 है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। आपको पता है आप छोटी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को अब मैं लिख सकता हूँ, 7 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 12 डॉट 7 डिवाइड बाय 9। अब मुझे पता है 49 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो एक्सप्रेशन मेरा 4 आ जाएगा, तो 4 रेज टू द पावर 12 डॉट 7 डिवाइड बाय 9। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा फुल एक्सप्रेशन मेरा, तो 4 रेज टू पावर 2 रेज टू द पावर 6 डॉट 7 डिवाइड बाय 9, तो हो जाएगा 16 रेज टू द पावर 6। 16 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये अगेन हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 6 डॉट 7, तो ये हो गया 7 डॉट 7 डिवाइड बाय 9। फर्दर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 3 डॉट 7 डिवाइड बाय 9, 4 रेज टू द पावर 3 डॉट 7 डॉट डिवाइड बाय 9। 4 रेज टू द पावर 3 कितना हो गया 16 इंटू 4, विच एवर वे आपको लगे कि ये फास्ट हो सकता है, डिवाइड बाय 9। इससे एक्सप्रेशन आया 7 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 9, 7 इंटू 4 इज 28, 28 डिवाइड बाय 9 गिव्स रिमाइंडर 1, तो 1 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जिस भी ऑर्डर में आपको लग रहा है कि आप जल्दी 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 इवेल्युएट कर सकते हैं तो ये होता चला जाएगा आपका। इस अप्रोच से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए एक दो क्वेश्चन इसी बेसिस पे, तो आपकी स्पीड बन जाएगी।